मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दो सीटां तो चोण मैदान दे विच ने, चमकौर साहिब अते पदौड़। सीएम चन्नी ने पदौड़ तो नामजदगी भर दिती है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे दो सीटां तो चोण लड़न दे फैसले बाद दीआं तमाम कयास रहीआं जांदीआं। सीएम चन्नी दे दो सीटां तो चोण लड़न दे मायने की? कांग्रेस ने चन्नी लई क्यों पदौड़ सीट चुनी? की पार्टी चन्नी नूं सीएम फेस बनाउणा चाहुंदी? इन्हां तमाम सवालां दे विचकार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने विधानसभा हलका पदौड़ तो नामजदगी भर दित्ती है। पदौड़ तो किसी भी पार्टी का कोई नामी उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस तो चरणजीत सिंह चन्नी, आम आदमी पार्टी वालों लाभ सिंह, श्रोमणी अकाली दल वालों सतनाम सिंह, पंजाब लोक कांग्रेस वालों धर्म सिंह। चन्नी साहब कदे बाजारां च इदां मुख्यमंत्री नहीं देखे सी इन्हां ने? इन्ना प्यार भी नहीं किसी ने मिलता। देखो किन्ने लोग फुल बरसा रहे ते किस तरीके दे नाल प्यार दे रहे, नोटां दे हार दे रहे। मैं बड़ा धन्नवादी हां सारयां दा। सब तो वड्डी चीज पैसा हुंदा और पैसा कहिंदे सिर तों वारता तुहाडे। सब कुछ बार रहे लोग, मैनूं बड़ी खुशी है यार। मैं सारयां नाल देण नहीं दे सकदा, इन्ना प्यार दे रहे। मैं तां तुहाडे नूं तुहानूं कहण आया कि मैनूं गोद ले लो और मैं तुहाडे विचकार रहना। तुसीं मैनूं अपना लोगे तां मैनूं हुण भी कोई कन्न च आ के कह रहा सी, कहिंदा जी लोकां नूं ऐ लगदा वी तुसीं जित के फिर चले तां नहीं जाओगे। मैं जाना नहीं है, मैं तुहानूं वचन दे रहा अज, यही वचन खड़ेगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्राण चले जाणगे लेकिन ये मेरा वचन नहीं जाएगा, अज मैं तुहानूं दे रहा। पदौड़ तो 2017 च आम आदमी पार्टी वालों परमल सिंह चोण जीते सी। परमल सिंह कांग्रेस विच शामिल हो चुके ने। परमल सिंह नूं कांग्रेस ने कितों भी टिकट नहीं दिता। 1967 CPI वालों बचन सिंह जेतू रहे। 1969 कांग्रेस वालों बचन सिंह जेतू रहे। 1972 तो 1992 तक अकाली दल वालों कुंदन सिंह विधायक रहे। 1992 BSP वालों निर्मल सिंह MLA बने। 1997 तो 2012 तक अकाली दल वालों बलवीर सिंह विधायक रहे। 2012 कांग्रेस वालों मुहम्मद सदीक जेतू रहे। 2017 आम आदमी पार्टी वालों परमल सिंह चोण जीते। साफ है कि कांग्रेस पदौड़ तो ज़्यादा मजबूत नहीं। विधानसभा हलका पदौड़ संगरूर लोक सभा हलके अंदर आउंदा है। भगवंत मान संगरूर तो आम आदमी पार्टी वालों MP ने। नतीजा धूरी तो चोण लड़ रहे भगवंत मान पदौड़ हल्के विच भी अपनी छाप छड्डण दी पूरी कोशिश करनगे। आम आदमी पार्टी ये हवा बना रही है कि उन्हां दा सर्वे सही साबित हो रहा है कि चन्नी चमकौर साहिब तो चोण हार रहे ने। असल वाले CM दो सीटां ते लड़ाई करूं उन्हां दा, क्योंकि उन्हें पता नहीं है मैं पहली सीट तो जितूंगा या ना। तो इसे स्वागत करन तो मैं आया कि आ जाओ लोकसभा संगरूर आ जाओ। उधरों तो इधरों तो ED वालियां पता नहीं जमानत तुहानूं मिल जाणगियां, पर पदौड़ तो जमानत जब्त होगी। सुभाविक है जदों खुद मुख्यमंत्री दो सीटां तो चोण लड़नगे विरोधी सवाल चुकनगे ही, क्योंकि इस तो पहला CM चन्नी चमकौर साहिब तो ही चोण लड़ते सी, पर हुण उह पदौड़ तो भी मैदान विच ने। आउंदे दिनां विच CM चन्नी चमकौर साहिब तो भी नामजदगी भर देणगे। कांग्रेस वालों चरणजीत सिंह चन्नी, आम आदमी पार्टी वालों डॉक्टर चरणजीत सिंह, BSP वालों हरमोहन संधू, BJP वालों हलका चमकौर साहिब तो चोण मैदान दे विच दर्शन सिंह शिवजोत ने। हलका चमकौर साहिब तो लोगों का वख-वख पार्टियों नूं हुंगारा समय नाल बदलता रहा है।
1977 तो 1985 तक अकाली दल वालों सतवंत कौर विधायक रहे। 1985 कांग्रेस वालों भाग सिंह चुन जिते। 1992 कांग्रेस वालों शमशेर सिंह जेतू रहे। 1997 तो 2007 तक अकाली दल वालों सतवंत कौर विधायक रहे। 2007 आजाद उम्मीदवार वजो चरणजीत सिंह चन्नी चुन जिते। 2012 ते 2017 विच कांग्रेस वालों चरणजीत सिंह चन्नी जेतू रहे। साफ है कि सीएम चन्नी 2007 तो चमकौर साहिब तो विधायक ने। सीएम चन्नी के दो सीटों तो चोन लड़न बारे पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू ने कुछ इस तरह का जवाब दिता। देखो बस दे विच चढ़ोगे उत्ते लिखा हुंदा सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार, तुसी चन्नी साहब तो सवाल करना। सिद्धू जवाब तंज भरिया दे रहे ने क्योंकि सीएम फेस नू लैके नवजोत सिद्धू ने फिर दोहराया कि मुख्यमंत्री चेहरा हाईकमान तय करेगी, जो फैसला होया मंजूर होगा। हमारी एक हाई कमांड है, द हाईएस्ट कमांड दैट वी हैव, हम उन्हें कहते हैं योर विश इज आवर कमांड। जो फैसला वो करेंगे, वहां दोनों ने खड़े होकर बोला, सब इस बात को मानते हैं कि जो हमारी हाई कमांड फैसला करेगी इन बिन पूरा होगा और सब मिलके वो आज्ञा पालन करेंगे। ये जवाब इसलिए भी अहम है क्योंकि खुद सिद्धू भी सीएम फेस के दावेदार ने। इन हालातों में पार्टी किस नूं मुख्यमंत्री चेहरा बनाती है, ये बहुत अहम रहने वाला है। जदों हुण सीएम चन्नी दो सीटों तो लड़ रहे ने, अजिहे विच सवाल है कि चन्नी ही मुख्यमंत्री चेहरा ने, पार्टी उन्होंने दो सीटों तो चोन लड़ा के सुरक्षित करना चाहती है, जां फिर पार्टी नूं डर है कि किधरे मुख्यमंत्री चन्नी चमकौर साहिब तो चोन हार ना जाण। इन्हां सवालों में एक सवाल यह भी है कि पार्टी दलित वोट वटोरन लई मुख्यमंत्री नूं दो सीटों तो चोन लड़ा रही है। यह भी हो सकता है कि पार्टी ने निरोल मालवा विच आप नूं टक्कर देने लई खुद मुख्यमंत्री नूं मैदान विच उतारिया होवे। इन्हां चोणां विच दो सीटों तो दो उम्मीदवार मैदान विच ने, एक बिक्रम सिंह मजीठिया जो मजीठा ते अमृतसर पूर्वी तो चोन लड़ रहे ने, दूजे चरणजीत सिंह चन्नी जो चमकौर साहिब ते भदौड़ तो चोन मैदान च ने। फिलहाल हुण समां इक ब्रेक दा, ते ब्रेक तो बाद समझण की कोशिश करांगे चन्नी अते सिद्धू चो सीएम फेस लई कौन ज़्यादा मजबूत। कांग्रेस पंजाब दे विच सीएम चेहरा दसेगी। राहुल गांधी ने जलंधर दे विच यह ऐलान किया सी। मुख दावेदार सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अते पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने, पर दोवां दे विचों चेहरा कौन होवेगा, पार्टी लिए फैसला आसान नहीं रहने वाला। कांग्रेस पार्टी पंजाब विच मुख्यमंत्री चेहरे नाल चुन मैदान विच उतरेगी। यह ऐलान 27 जनवरी नूं राहुल गांधी ने जलंधर विच कीता। एक वर्चुअल रैली नूं संबोधन करदिआं राहुल गांधी ने कहा कि वर्करां दी राय नाल सीएम चेहरा ऐलाना जाएगा। वर्करां तों राय किवें लई जाएगी पर राहुल गांधी ने साफ नहीं किया। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है, क्योंकि आमतौर से हम ये नहीं करते हैं, मगर अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है और पंजाब चाहता है, तो फिर हम चीफ मिनिस्टर का निर्णय आपके लिए ले लेंगे अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर, और जो सही व्यक्ति होगा वो पंजाब को आगे ले जाएगा, और दूसरा व्यक्ति और दूसरे सब लोग मिलकर एक टीम जैसे लड़ाई लड़ेंगे, और जल्दी से जल्दी जो आपकी मांग है चीफ मिनिस्टर को डिक्लेयर करने की मांग, उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा का पूरा करेंगे। राहुल गांधी नूं यह ऐलान इसलिए करना पिया क्योंकि इस तो पहला स्टेज तो पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अते मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राहुल गांधी तो मांग की थी कि सीएम चेहरा ऐलाना जाए। नवजोत सिद्धू ने साफ कहा कि वह निर्णय लैन की ताकत चाहते ने, और मैं ये वचन देना राहुल जी नूं एक अनुशासन नाल बन्ने हुए सिपाही का ये वचन है राहुल जी नूं कि जो थोड़ा फैसला होएगा सारी कांग्रेस पार्टी मनेगी, सारी कांग्रेस पार्टी मनेगी, हर बंदा मनेगा। अभी सारे इकट्ठे हाँ, अभी TRP ले नहीं लड़ रहे, अगली सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं महाराज, और अगली सरकार बनाने लई
नीहां च वी चिणदी उह नवजोत सिंह सिद्धू जे उफ कर गया, लेकिन निर्णय लैण दी ताकत दईओ भावें कोई निर्णा होए, बस दर्शनी घोड़ा ना बना दिओ, बाकी सब ठीक है। सिद्धू सीधा राहुल गांधी तो निर्णय लैण दी ताकत मंग रहे ने। उधर मुख्यमंत्री चन्नी ने भी कहा कि चेहरा ऐलानिया जाए, वो खुद कुर्बानी देने नूं तैयार ने। सीएम ने स्टेज उपर सिद्धू नूं जफ्फी पा के एक जुटता भी राहुल गांधी नूं दिखाई। मैनूं इन्हां अहुदिआं वास्ते अपने पंजाब दा नुकसान नहीं करा सकदा, मैं अपनी पार्टी दा नुकसान नहीं करा सकदा, मैनूं किसे अहुदे दी लोड़ नहीं। किसे नूं मुख्यमंत्री बनाओ, एक जाने नूं चुण दो। चरणजीत चन्नी सब तो पहला मूहरे होके कन्वेंसिंग करेगा जिहदा भी तुसीं नाम रखोगे। ऐवें कोई कहे कि कोई लड़ाई है, कुर्बानी देवांगा हर हाल दे विच पंजाब दे लोकां दे भई बेहतरी वास्ते, एक अच्छी सरकार देण वास्ते मूहरे खड़ांगा, कांग्रेस पार्टी दे नाल चलांगा। राहुल गांधी जी तुसीं मैनूं जो देता, इस तों ज़्यादा मैं क्या मंग सकदा है। मैनू मेरी जान भी पंजाब के लोगों वास्ते हाजिर है। जे मैं अद्धी रात को पंजाब के किसानों पर गोलियां चलाने को कहा, डांगा मारने को कहा, मैं जद नहीं चुकिया तो हूँ कर चुकना है। हूँ मैं सिर्फ पंजाब वास्ते अज तो झोली मंगना कि साड़ी सरकार आनी चाहिए, असी एकता दे नाल खड़ांगे, पंजाब नूं अगे लेके जावांगे, माफिया राज खत्म करांगे, हर लड़ाई पंजाब वास्ते लड़ांगे। लेकिन आज लोग एक चेहरा मंगते हैं, तुसी जिन्हों कहोगे असी नाल चलांगे। चाहे दोवें लीडर हाई कमांड के फैसले नूं सत्कार देने की गल कह रहे ने, इत्थे भी वेखण वाली गल है कि मुख्यमंत्री चन्नी कुर्बानी देने लई खुद नूं तैयार दस रहे ने, ते दूजे पासे सिद्धू फैसले लैण दी ताकत मंग रहे ने। पर हाई कमांड लई दोवां विचों किसी एक नूं चोणां तों पहलां चुनना आसान नहीं, क्योंकि जेकर नवजोत सिद्धू की गल की जाए तो सिद्धू की बेदाग अते ईमानदार शख्स की छवि है, चंगा बुलारा ने, राष्ट्रीय चेहरा भी ने, कदे चोन नहीं हारी सिद्धू ने हाले तक। इस सब के बावजूद यह नहीं पता कि सिद्धू किहड़े समय किहड़ा फैसला लै लैन, क्योंकि नवजोत सिद्धू अस्तीफियां लई भी जाने जाते हैं। जिस पंजाब प्रधानगी लई हाई कमान ने लंबा चौड़ा मंथन किया, उस पंजाब कांग्रेस की प्रधानगी तो सिद्धू ने झट अस्तीफा दे दिता सी। पर हाई कमान भी जानती है कि सिद्धू एक राष्ट्रीय चेहरा ने, उन्हां दा चंगा वक्ता होना, हर भाषा उपर वधिया पकड़ अते हाजिर जवाबी सिद्धू नूं वड्डा लीडर बनाउंदी है, क्योंकि साल 2024 विच लोकसभा चोणां होणगियां ने, अजिहे विच पार्टी नूं सिद्धू दी लोड़ रहिण वाली है। नतीजा कांग्रेस पार्टी सिद्धू नूं नाराज़ नहीं करना चाहेगी। जेकर गल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी करिए, आम लोकां च कुल मिलण वाले ने, दलित भाईचारे लई सीएम चन्नी वड्डा चेहरा ने, रिश्तेदार ते ईडी रेड दौरान पैसों की बरामदगी ने छवि नूं सट मारी है, नजायज माइनिंग के इल्जाम भी लगे ने, मीटू मुहिम दौरान विवादों च भी घिरे से, भरा डॉक्टर मनोहर सिंह कांग्रेस तो बागी ने। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कैबिनेट मंत्री होंदिया अपने अजीबो गरीब फैसलों करके भी विवादों च रहे, सिक्का उछाल के फैसला करन सने हाथी उपर सवारी नाल सीएम चन्नी चर्चा विच रहे। चाहे मुख्यमंत्री चन्नी अपनी बोलचाल विच हलीमी रखते ने अते दलित भाईचारे लई चेहरा ने, पर उन्हां उपर लगे इल्जाम चोणां विच सीएम फेस उपर भारी पै सकते ने, क्योंकि रिश्तेदार ते ईडी रेड दौरान पैसों की बरामदगी अते नजायज माइनिंग के इल्जामां ने मुख्यमंत्री चन्नी की दिख नुकसान पहुँचाया है। इस तों इलावा मीटू मुहिम दौरान विवादां विच रहण कारण छवि नूं नुकसान पहुँचिआ है। जो हुण कांग्रेस पार्टी एकजुटता नाल चोणां विच जाण दा दम भर रही है, अजिहे च मुख्यमंत्री चन्नी दे भरा डॉक्टर मनोहर सिंह कांग्रेस तो बागी ने, क्योंकि हलका बस्सी पठाणा तो पार्टी ने गुरप्रीत सिंह जीपी नूं टिकट दित्ती है, पर सीएम चन्नी दे भरा इस हलके तो आजाद उम्मीदवार वजों चोण मैदान विच ने। अजिहे च सवाल उठ रहे ने कि एक मुख्यमंत्री अपने सके भरा नूं पार्टी लई क्यों नहीं मना सकता। कुल मिला के मुख्यमंत्री चन्नी अते नवजोत सिद्धू दोवें चेहरे ही पार्टी लई महत्वपूर्ण ने, पर पार्टी लिए आसान नहीं होगा कि दोवों विचों किसी एक नूं सीएम चेहरा देन। हुण रुकदे इक होर ब्रेक लई, ते ब्रेक तो बाद जाणांगे कदों कदों चन्नी सरकार ते नवजोत सिद्धू भारी पए।
कांग्रेस सरकार दे विच नवजोत सिद्धू भारी पैंदे विखे ने, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हों जां फिर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, चन्नी सरकार दे कई फैसलों के उपर नवजोत सिद्धू का दबा साफ विखिया। विधानसभा चोणां 2022 दे मद्देनज़र पंजाब दी सियासत विच कई उल्ट फेर वेखण नूं मिल रहे ने। मुख तौर उत्ते पंजाब कांग्रेस दी सियासत ने सब दा ध्यान अपने वल खिंचिया। खासकर नवजोत सिद्धू दे बाउंसरां ने ना सिर्फ कैप्टन नूं आउट कीता सगों टीम विच्चों बाहर जाण लई वी मजबूर कर दिता। नतीजा कैप्टन अपनी नवीं सियासी पार्टी बना के बीजेपी दे गठजोड़ नाल कांग्रेस अंदर सन वी ला रहे ने अते चोणां विच धूड़ चटाउण दा दम वी भरिया जा रहा है। सिद्धू इकले कैप्टन ही नहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उपर भी भारी पै रहे ने। इकबालप्रीत सिंह सहोता की थान सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय DGP नियुक्त किया गया। इकबालप्रीत सिंह सहोता की नियुक्ति लैके पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू लगातार विरोध जता रहे थे। इस तो पहला सिद्धू के रोह अगे झुकद्या चन्नी सरकार ने अमरप्रीत दियोल की थान DS पटवालिया AG नियुक्त किया। DS पटवालिया नवजोत सिद्धू की पहली पसंद सन। 28 सितंबर को पंजाब कांग्रेस के प्रधान अहुदे तो नवजोत सिद्धू ने इस्तीफा दिता से। चन्नी सरकार प्रति गिला जाहिर करदिया सिद्धू ने DGP वजो इकबालप्रीत सिंह सहोता और AG वजो अमरप्रीत दियोल की नियुक्ति उपर सवाल चुके सन। सिद्धू का इस्तीफा उस समय सामने आया जदों पंजाब कांग्रेस में पूरी तरह उथल पुथल मची सी। एक तो बाद एक कई घटनाक्रम वापर रहे सन। 18 जुलाई को नवजोत सिद्धू प्रधान बने सन। 23 जुलाई को प्रधान वजो सिद्धू की ताजपोशी हुई सी। 18 सितंबर को कैप्टन ने इस्तीफा दिता सी। 20 सितंबर को चरणजीत सिंह चन्नी CM बने। 26 सितंबर को मंत्रिमंडल ने सौं चुकी सी। 28 सितंबर को मंत्रालय की वंड हुई सी। 28 सितंबर को ही नवजोत सिद्धू ने इस्तीफा दे दिता सी। अखीर दिल्ली में कई दौर दियां बैठकां बाद सिद्धू ने प्रधान वजो कामकार मुड़ संभालिया सी। इत्थे एक होर ब्रेक लई रुकदे आं ते ब्रेक तो बाद CM चन्नी का सियासी सफर जाणांगे। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कैप्टन अमरिंदर सिंह की थां ते चरणजीत सिंह चन्नी CM बने। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे हुण तक दे सियासी सफर ते झात मारदे आं। पंजाब दे चमकौर साहिब तो विधायक चरणजीत सिंह चन्नी ने 20 सितंबर 2021 नूं पंजाब दे मुख्यमंत्री वजो सौं चुकी सी। पंजाब दे सियासी इतिहास विच पहली बार कोई दलित आगू सूबे दा मुख्यमंत्री बनिया। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना सियासी सफर बतौर नगर कौंसलर शुरू किया। 1 मार्च 1963 नूं जन्म होया। 3 वार कौंसलर रहे अते खरड़ नगर कौंसल दे 1996 विच प्रधान बने। पहली बार 2007 च आजाद उम्मीदवार वजो चोण लड़ी। चमकौर साहिब तो आजाद उम्मीदवार वजो चोण लड़के विधायक बने। आजाद चोण जितन बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कीती। 2012 विच कांग्रेसी उम्मीदवार वजो चोण जित के विधायक बने। 2015 तो नवंबर 2016 तक विरोधी धिर दे लीडर रहे। 2017 च विधायक बन मगरों तकनीकी सिक्ख्या मंत्री भी बने। चरणजीत सिंह चन्नी की विद्यक योग्यता MA राजनीति शास्त्र MBA ते LLB है। चन्नी का नाम समय समय से विवादों नाल भी जुड़ता रहा है। मीटू मुहिम दौरान उन्होंने काफ़ी नमोशी चलनी पई सी। तमाम विवादों को दरकिनार करदिया हाईकमान ने चन्नी के नाम उत्ते मुहर लाई सी। चोणां तों पहलां करीब 3 महीने मुख्यमंत्री वजो चन्नी ने काम किया। धड़ाधड़ फैसले लए जिन्हां विच मुख तौर उत्ते सूबे दे लोकां नूं बिजली 3 रुपए सस्ती देण दा फैसला,
एससी बीसी बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली के यूनिट 200 तो वधा के 300 यूनिट किए। 2 किलो वाट लोड वाले घरेलू बिजली बिलों के बकाए मुआफ। पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 5 रुपए वैट की दरों में कटौती करके सस्ता किया। रेता 5 रुपए 50 पैसे प्रति फुट किया। इस तो अलावा 36,000 मुलाजमान पक्या करने का ऐलान किया सी, पर फाइल राजपाल को अटकी रही। कर्मचारियों की घट्टो घट तनखा में वाधा किया गया। मिड डे मील वर्करों का भत्ता वधाया। आशा वर्करों को भी कमीशन के 2500 रुपए देने का फैसला होया। पानी के बकाए बिल मुआफ तो इलावा करीब 3 महीनों में सीएम चन्नी ने दावा किया कि वह लोगों की उम्मीदों उपर खरा उतरे ने। हुण जांदे जांदे एक जरूरी सूचना, तुसी एबीपी सांझा टाटा स्काई दी चैनल नंबर 1929 ते वेख सकते हो। फिलहाल दे लई इना ही। देश दुनिया दीआं तमाम खबरां वेखण लई तुसी वेखदे रहो एबीपी सांझा।